हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन विशेषज्ञ, NLP ट्रेनर, नशा मुक्ति तज्ञ और एक कोच हूँ। मैं बताने वाला हूँ आज आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी या छिन्न मानस या स्किजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स जो है जो दिखाई देते हैं उसके बारे में। ये जो बीमारी है, ये बीमारी मतलब जो लाइक हेबीफ्रेनिया बोलते हैं, हेबीफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया या बहुत ही एकदम क्लियर दिखने वाले सिम्टम, तो उसमें होता क्या है कि लड़का या लड़की जिसको भी ये बीमारी होती है वो अपने आप से बड़बड़ाता है, अपने ख्वाबों में कुछ ना कुछ ऐसे हाथ करते रहता है, इशारे करते रहता है, ऐसा लगता है किसी से भी बातचीत कर रहा है, अपने आप से हंसेगा, फिर स्नान नहीं करेगा, कपड़े गंदे पहनेगा, गंदगी करेगा, कहीं भी पेशाब टॉयलेट कर लेगा और खाना भी नहीं खाएगा, खाना खाएगा तो बराबर खाना नहीं खाएगा, ऐसा पूरा डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर रहता है उसका। उसके स्पीच में मतलब बातचीत जब करेंगे तो वो क्या बोलता है ये कभी समझता है या कभी समझेंगे ही नहीं क्या बोल रहा है, उसको बोलते हैं डिरेलमेंट ऑफ स्पीच। मतलब एक एक सेंटेंस, उसने एक वाक्य बोला तो दूसरा वाक्य उसको कनेक्ट होगा कि नहीं होगा हमको मालूम नहीं, दूसरा वाक्य बोलते कुछ तो भी बोल देंगे, मतलब इतना उसका स्पीच में ऐसा अलग 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 सेंटेंस रहते हैं, वाक्य रहते हैं, क्या बोलता हमको समझता नहीं है। कभी कभी एकदम भलती बात चालू करेगा जिसको कोई संदर्भ नहीं है, कभी अपने मन से जोर जोर से हंसेगा, कभी उसको आवाज़ आएंगे तो कोई अपने कभी उसको बुला रहा है, कोई उसको आवाज़ दे रहा है और वो आवाज़ को वो रेस्पॉन्ड करेगा, उनसे बातचीत करेगा। कुछ लोगों को थॉट ब्लॉक हो जाता है, मतलब वो बात करते करते एकदम बंद हो जाएंगे, बोलेंगे अभी मैं बातचीत नहीं कर सकता, एकदम शांत हो जाएंगे, बोलती बंद कर देंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टीवी में मेरे बारे में बातचीत चालू है या रेडियो के ऊपर मेरे बारे में बातचीत चालू है, मेरे बारे में अनाउंसमेंट चालू है, जो टीवी पे लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली मैं हूँ, अलग रूप लेके वो टीवी में मुझे बता रहे हैं, या वो लोगों को ऐसी आवाज़ आएंगी कि लोग मुझे मारने आ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, या कोई लोग मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, पकड़ेंगे मारेंगे ठोकेंगे, ऐसा भी उनको लगता है। वो डर के मारे ये लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, या डर के मारे ये लोगों के ऊपर अटैक करेंगे या खुद को मार लेंगे, या लोगों को आजू बाजू वाले किसको भी फटाक से अटैक करेंगे या कहीं ऊपर से जंप करेंगे, इतना इनको वायलेंस हो जाता है। एक तो कुछ हो जाएगा इसलिए वो वायलेंट हो जाते हैं, या वो उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता इसलिए वो वायलेंट हो जाते हैं, फिर लोगों के ऊपर अटैक करेंगे बिना वजह, मारपीट करेंगे, इतनी ताकत ये लोगों में आ जाती है कि वो 5-5, 7-7 लोगों को कंट्रोल नहीं होंगे। तो एक तो स्किजोफ्रेनिया ऐसा है कि ये मतलब वायलेंट बिहेवियर है, बहुत घमासान कर देंगे या फिर एकदम शांत रहेंगे, और शांत रह के फिर अपने आप से पुटपुटाना, अपने आप से हंसना, अपने आप से इशारे करना, चुपचाप बैठ रहना और गंदगी करना, मतलब ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों को पैरानॉइड डेल्यूजन रहते हैं, डेल्यूजन्स मतलब विचारों का भ्रम कि भाई मेरे पति के या पत्नी के संबंध बाहर है किसके भी साथ में, या कोई मेरा पीछा कर रहा है, या पुलिस मेरा पीछा कर रही है, लोग मेरे को कहीं अटका देंगे, या मेरे खाने में जहर मिला रहे हैं तो खाना ही नहीं खाता घर में हो, तो ऐसे कोई पैरानॉइड सिम्टम्स रहते हैं कि जिसकी वजह से वो घर में रहता नहीं फिर बाहर निकल जाएगा, या फिर मेरे खिलाफ लोग है, मेरे दफ्तर में मेरे खिलाफ है लोग, मेरे बिजनेस में लोग मेरे खिलाफ है, मेरे समाज में लोग मेरे खिलाफ है, ऐसा उसको लगेगा। तो ये स्किजोफ्रेनिया जो है वो 6 महीने तक ऐसे लक्षण रहे कंटिन्यूसली, 6 महीने तक तो स्किजोफ्रेनिया करके हम उसको बोल सकते हैं और उसका फिर इलाज हम कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, दवाई देके उसका इलाज हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल लोचा जो है मतलब ये ब्रेन का प्रॉब्लम है ये, तो दवाइयों से अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ फैमिली थेरेपी, साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग, सपोर्टिव थेरेपी ऐसा हम उसको देते हैं तो ये व्यक्ति जल्दी अच्छा हो सकता है और अपना जीवन पूरा अच्छा जी सकता है। मगर होता क्या है कि हमारे देहातों में, छोटे छोटे गाँव में लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ तो भी बाहर का है, भूत पिशाच लगा हुआ है, तो उसको बाहर का करते हैं, धागे दोरे करते हैं, दरगे के ऊपर लेके जाएंगे, मंदिर में लेके जाएंगे, वो सैलानी करके हमारे बुलढाणा जिले में है वहाँ लेके जाएंगे, वो दरगे पे वहाँ उसको बिठाएंगे, बांध के रखेंगे,
उनको लगता है कि नहीं ऐसा करेंगे तो इनका जो अंदर घुसा हुआ कोई प्रेतात्मा भूतात्मा कोई है भूत है वो निकल जाएगा और ये लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बीमारी है। और स्किज़ोफ्रेनिया यदि हम डायग्नोज करते हैं तो एक प्रकार का ये दिमाग का कैंसर है ऐसा बोला जाता है। जितना जल्दी अच्छा करेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना अच्छा है। काफ़ी सारे लोग आपके आजू बाजू में होंगे कि जिनको यदि जल्दी हम दवाई चालू कर देते हैं, जल्दी इलाज करते हैं, तो वो पूरे 100% अच्छे हो जाएंगे और अपना जीवन वो अच्छा बिताएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, आपके आजू बाजू में जो लोग होंगे उनको जरूर ये वीडियो बताओ, ताकि उनका इलाज साइकेट्रिस्ट करेगा, एक्सपर्ट करेगा, तो उनका जीवन वो अच्छा जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।